हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज डॉक्टर देवशीष शर्मा। एपिसोड नंबर 46 ऑफ आज डॉक्टर देवशीष में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का पहला सवाल पूछा है रोहित साहू जी ने। उन्होंने पूछा है लेफ्ट पैर में, मतलब उनको दर्द था और L4 L5 पे उनकी सर्जरी हुई थी 3 साल पहले, और अब उनको जो दर्द आ रहा है 1 साल से, वो आ रहा है राइट लेग में, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए सर, हो सकता है पहले जो आपकी सर्जरी हुई हो वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई हो, लेकिन किसी वजह से या तो कोई और रिकरेंट हर्नेशन हुआ हो या कोई नर्व प्रेस हो रही हो, इस वजह से आपको वो दर्द आ रहा हो। तो अगर आपको राइट लेग का दर्द है और वो ज़्यादा है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप एक बार स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलें, डिटेल में इस प्रॉब्लम को डिस्कस करें, और ज़रूरत हो तो एक MRI करा के देखें कि ये दर्द क्यों आ रहा है, और उसके बेस पे इलाज को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट सवाल पूछा है कुंदन कुमार जी ने। उन्होंने पूछा है कि क्या टॉप्स सर्जरी करके फ्यूजन अवॉइड किया जा सकता है? तो कुंदन सर, बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी है टॉप्स, लेकिन अभी तक उसके रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबल नहीं हैं। इंडिया में टॉप्स की एक्सपेक्टेंस या एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि टॉप सर्जरी हाईली अनस्टेबल स्पाइन में कितना रिजल्ट दे पाएगी, ये प्रश्न चिन्ह है। अगर किसी को लाइटिक लिस्थेसिस है या डीजनरेटिव लिस्थेसिस है, ऐसे केस में फ्यूजन एक टाइम टेस्टेड टेक्निक है जिससे अच्छा रिजल्ट आता है। और अगर आपको लिस्थेसिस नहीं है और ज़्यादा बैक पेन नहीं है, तो आपको डीकम्प्रेशन से काम चल सकता है, जिसमें आपको छोटी सर्जरी करके नसों को सिर्फ खोल दिया जाता है। बट अगर लिस्थेसिस है और वो डायनेमिकली मूव कर रही है, ऐसे केसेस में फ्यूजन ही गोल्ड स्टैंडर्ड है आज तक, एज आई स्पीक टूडे ऑफ 2023। बट हो सकता है फ्यूचर में ऐसे अच्छे प्रेडिक्टेबल सिस्टम्स आ जाएं जिससे फ्यूजन अवॉइड किया जा सके, बट टॉप सिस्टम की बहुत लिमिटेड इंडिकेशंस हैं, और उन इंडिकेशंस में कई सारी इंडिकेशंस ऐसी हैं जिसमें कि हम बिना टॉप्स के या बिना स्क्रू डाले ही काम चला सकते हैं। तो जहां पर टॉप्स की ज़रूरत पड़ती है, वहां पर जनरली मेरे पेशेंट्स में एंडोस्कोपी से ही काम चल जा सकता है, तो टॉप्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और जहां पर फ्यूजन हम कर रहे होते हैं, चाहे एंडोस्कोपिकली करें चाहे माइक्रोस्कोपिकली करें, तो ऐसे केसेस में फ्यूजन सर्जरी जो हम कर रहे होते हैं उसमें कोई चारा ही नहीं होता, टॉप्स काम करेगा ही नहीं, क्योंकि हाईली अनस्टेबल स्पाइन है। तो मिनिमली अनस्टेबल स्पाइन में टॉप्स करते हैं, और ऐसे केसेस में हम लोग एंडोस्कोपी से अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। तो डिपेंड करता है आपके MRI में क्या है सर, और उसी के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए। आप चाहें तो एक एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इलाज आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट सवाल पूछा है सैफुल्ला सिकंदरी जी ने। उन्होंने बताया कि वो 29 ईयर्स के हैं और उनको L5S1 में प्रॉब्लम है, और उसको 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और वो दवाइयाँ ले रहे हैं, और अभी जब वो चलते हैं तो 100 मीटर से ही चल पाते हैं, तो क्या उनको सर्जरी करानी चाहिए? तो सर, अगर आप दवाइयों से ठीक हो पा रहे हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से, अगर आप स्पाइनल इंजेक्शंस, फिजियोथेरेपी, दवाई, किसी भी चीज़ से आप ठीक हो पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सर्जरी करानी चाहिए, बशर्ते आपको वीकनेस ना आ रही हो, आपको ब्लैडर बाउल कंट्रोल में कोई दिक्कत ना हो, और आपको अत्यधिक दर्द नहीं हो रहा हो। आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि 2 महीने बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता। बट अगर किसी पेशेंट को 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने हो गए हैं और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, और या फिर उसको इतना टाइम भी से भी कम हुआ है, जैसे 1 महीना हुआ है, लेकिन वार्निंग सिम्टम्स जो मैं बताता हूँ वो आ गए हैं, तो ऐसे केस में सर्जरी मस्ट हो जाती है और सर्जरी ज़रूर करानी चाहिए। बट यदि ये सब नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि सर्जरी करने की ज़रूरत है। आप वेट कर सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, आप स्पाइनल इंजेक्शन ट्राई कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से नॉन सर्जिकल ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल वारिश आलम जी ने पूछा है। उन्होंने बताया कि वो झारखंड से हैं, और उन्होंने बताया है कि उनको जो दिक्कत आ रही है उसमें उनके गर्दन से दर्द होता है और दोनों पैरों तक जाता है। उन्होंने लोकली कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो वारिश सर, अगर सर्वाइकल की दिक्कत है, तो ऐसे केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डिटेल्ड MRI स्कैन होना चाहिए। कभी कभी एक्सरेज और CT स्कैन्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ पेशेंट्स में नर्व कंडक्शन स्टडीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट, स्पाइन स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन या स्पाइन सर्जन से मिलें, और जो नियरेस्ट आपके हों उनके पास जाएँ, डिटेल्ड एग्जामिनेशन करवाएँ, और उसके बाद आप
ये डिसाइड करें उनसे बात करके कि क्या इलाज आपके लिए बेटर है। मुझे ऐसा लगता है कि वो MRI तो ज़रूर कराएंगे ही, क्योंकि MRI से ही ये पता लगता है कि नस पे कितना दबाव है, और अगर दबाव ज़्यादा है और परेशानी ज़्यादा है तो हो सकता है वो आपको कुछ दिनों तक दवाइयाँ दें, स्पाइनल इंजेक्शंस के बारे में बताएं, या रेयर केस में कोई सर्जरी भी सजेस्ट करें। तो जो भी दिक्कत है स्पेशलिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। लोकल डॉक्टर्स अगर नहीं ठीक कर पा रहे हैं उस केस में तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलें और फिर इलाज की तरफ आगे बढ़ें। नेक्स्ट सवाल तोहित कुरेशी जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि उनकी मदर को 7-8 महीने से TB है, वो दवाई दे रहे हैं, दवाई से ठीक नहीं हो रहा है और कमर में शायद जख्म भी है। तो यदि अगर आपका दवाई से नहीं ठीक हो रहा है और कमर में दिक्कत आ रही है तो आपको ये टेस्ट कराना चाहिए कि वो एक्चुअली TB है भी कि नहीं। कभी कभी हम TB का इलाज करते रहते हैं और बीमारी कुछ और निकल आती है। कभी कभी हम TB का इलाज करते हैं और जो दवाइयाँ हम दे रहे होते हैं वो इनसेंसिटिव होती हैं, या फिर कह लीजिए TB जो है वो प्राइमरी ड्रग रेजिस्टेंट होती है। ऐसे केसेस में बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि CT गाइडेड हो सकती है या फिर ट्रांसपेडिकुलर बायोप्सी हो सकती है, जो कि स्पाइन सर्जन्स करते हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में जांच करवाएं, एक स्पाइन डॉक्टर से या एक न्यूरोसर्जन से मिलें, और उसके बाद बायोप्सी से ये पता लगेगा कि बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही है, क्या इलाज है। अगर आपकी स्पाइन में एक्सटेंसिव बोन डैमेज हो जाता है या फिर नर्व कंप्रेशन की वजह से पैरों में दिक्कत आती है, ऐसे केस में डॉक्टर्स सर्जरी भी रिकमेंड करते हैं। बट जो भी इलाज है, अगर 7 महीने इलाज करने के बाद भी माताजी ठीक नहीं हो रही हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उनको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए, एक बड़े सेंटर में दिखाया जाए और सही इलाज की तरह जल्दी से जल्दी अग्रसर हुआ जाए। तो वक्त को ना गवाते हुए आप जल्दी डॉक्टर के पास जाइए, बड़े हॉस्पिटल में जाइए और इसका इलाज कराइए। टीबी का इलाज आजकल बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बखूबी किया जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत अच्छा इलाज गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराती है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का ये मिशन है कि हर इंसान को टीबी का इलाज मुफ्त में और अच्छा मिलना चाहिए। तो चिंता मत करिए, सब लोग आपके साथ हैं, डॉक्टर से मिलिए, सीनियर डॉक्टर से मिलिए, आपका इलाज हो पाएगा और माताजी जरूर ठीक होंगी। मैं आपको हिम्मत देता हूं और दिलासा बताता हूं, टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आऊंगा। अगर आपको मेरे एपिसोड्स पसंद हैं तो मैं हमेशा की तरह एक गुजारिश आपके सामने रखता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगता है कि मेरे इस एपिसोड में आपके किसी करीबी रिश्तेदार को कोई परेशानी हुई है, उसका इलाज या उसके जैसा सवाल मैंने बताया है, तो उनसे इस एपिसोड को शेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि उनको पता चले कि प्रॉब्लम का निजात पॉसिबल है और स्पाइन प्रॉब्लम के साथ रहने की उनको कोई भी जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में फिर से आऊंगा कुछ नए सवालों के साथ। थैंक यू अगेन।